हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़ोनी फैमिली ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं ब्लॉसम एक्जोटिका। ये है डिब्रूगढ़ में, एक बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, टी गार्डन है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको वहीं पर और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। है ना सुंदर सी जगह। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और बच्चे तो देखते ही मतलब इतना एक्साइटेड हैं कि अंदर पता नहीं और क्या हो रहा है। देखो ये रहा कस्बा। अरे फिर वो ये पौधे ले जाने। है ना सुंदर सी जगह और ग्रीनरी भी काफी है। अब अभी यहाँ पे लोग टिकट ले रहे हैं, अंदर जाने के लिए टिकट लेना होता है। तो चलो चलते हैं अंदर। हाँ अभी स्टार्ट कर दिया फिर से मैंने। हाँ भाई का कैप नहीं लाया क्या आज? मैं भाभी ने फिर छिपा दिया कैप लग रहा है भाई। चलो हो गया वाली कैप कह रहे भैया। वाह यार, यहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था मुझे बैठ के। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई। ये देखो मेरे पीछे देख रहे हो ना आप लोग, ये पूरा टी गार्डन है और इतना मतलब सुंदर सा लग रहा है कि यहाँ बीच में झूला लगा रखा है इन लोगों ने। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे लेट के, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। ये देखो ये रहा टी गार्डन और चाय पत्ती जिसे बोलेंगे। ये देखो ये है बटरफ्लाई, इसमें बैठी बहुत अच्छा लग रहा था और पीछे से भैया लोग मेरी फ़ोटो खींच रहे थे। तो ये देखना, ये पीछे से मुझे धक्का भी दे रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और कितना अच्छा है ना, नीचे टी गार्डन है और ऊपर बटरफ्लाई बना रखा है, झूला, और मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलो दूसरी चीज़ देखिए, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड तो ये पुलिया के ऊपर चढ़ रहे थे, आगे पीछे पानी था तो मतलब उनको तो बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी हम लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग। ये मतलब यहाँ पे ना इन लोगों ने पानी स्टोर किया है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा देखने लायक जगह है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये देखिए ये तोते हैं और पिंजरे में बैठे हैं ये तो। तो अब चलते हैं हम घर को, बहुत घूम लिया। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बड़ोनी फैमिली ब्लॉग्स। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी है। बाय।